कार बिजली जाती से खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। सरकार कुछ नहीं दे, हमारे मेहनत का ये मकाम मिले, सब हमारी मेहनत का है। हमारे तरफ से एक लोन आया हुआ, आज 2 साल हो गया। अच्छा, वो 5-3 बार डिप्लीट किया, वापस कुछ नहीं निकले। अच्छा, आप अभी तक पक्के मकान मतलब नहीं बनाया ना? नहीं बना पड़ा, तो खुद की मेहनत है, बस खुद की मेहनत है, ये सब खुद की मेहनत है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास वाले जो आए थे, वो भी नहीं आया? वो भी नाम आया था, नाम आया कि बिक्रमपुर गांव में बोला हुआ है कि फलाना नाम का लोन आया हुआ है, लेकिन हमारे को नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है। अच्छा, ये जो कोटे की कणक है, ये भी मिल रही है आपको? ये नहीं मिल रही? ना, नाम सबका चटा हुआ है, पर हमारा नहीं देता, हमारे गांव वाला सरपंच है वो। तो आज अच्छा, आप मतलब अभी भी आपके मकान कच्चे ही हैं? कच्चे मकान हैं, तो सरकार की व्यवस्था अभी तक नहीं मिली आपको? बच्चा स्कूल पढ़ते हैं, वो भी सरकार की तरफ समान आते हैं, वो भी मार साहब नहीं देते। अच्छा, वो जो के कॉपी किताबें आती हैं और पोसार भी आता है? पोसार आता है ना, दाल चावल सब भी आते हैं। वो मोटे मोटे लोगों को देते, हमारे गरीब लोगों को एक नहीं देते। मतलब काम जो है वो मतलब कॉपियों में हो जाता है, फाइलों में हो जाता है, लेकिन आप तक नहीं पहुँचता है सरकार तरफ। अच्छा, आप वहाँ कितने सालों से रह रहे हो? वहाँ कितने? हाँ, 10 सालों से। हमारे घर कंधे ही नहीं बैठते कि हम नीच जात के रह गए। माहिती बनती है जो जानियन खाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं शिवम बीकानेरी यूट्यूब चैनल। लास्ट 6 महीनों से कालबेले समाज, जो कि घुमकड़ जनजाति, नाथ जोगी जनजाति को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ दादू का गांव जो कि जैसलमेर में बीकानेर की सीमा पर पड़ता है। हमारे साथ महिलाएं काफ़ी मौजूद हैं, इनके कल्चर के बारे में बात करेंगे, महिलाओं का किस प्रकार से कठिन संघर्ष है वो भी हम बात करेंगे, और ये जो महिलाएं हैं ये सभी की सभी जो है संघर्षशील महिलाएँ हैं, इन सब से बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सोनारी। अच्छा, तो आज का क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या प्रोग्राम रखा? आज सीख दे रही हूँ। अच्छा, सीख बेटी की शादी? बेटी की शादी है। अच्छा, तो आप मतलब कहाँ से आए हैं? नोक से आए। तो ये जो पीछे जो ये बना रखा है, इसे क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जगह? तोरण है, तोरण। अच्छा, मतलब क्या आपके जो आपके समाज के अंदर इसको क्या किस बीन मैं कर निकालता हूँ? अच्छा, अच्छा, इसके जब बीन जब आता है तब भी इसके अंदर एंट्री करता है? और आता जब है, करता है, भी, निकलता ही करता, पल्ला जाल ये एक तरह का मतलब तोरण द्वार हो गया है। ये तोरण है, ये सरकार मन लकड़ी नहीं तोड़ने देता, लजतरी बात देखो लकड़ी। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही है। इस तरफ ये जो आपने फोटो लगा रही है, गणेश जी की फोटो लगा रहे हैं, गणेश भगवान का, रिद्धि सिद्धि का। तो दोस्तों, ये मतलब जो है कालबेली जनजाति, ये कोई और नहीं, कौन जी तेरे को 10,000 रुपए देने जी ते। हां, 85 किलो का, 85 kg का ये जो है, और कई हजारों सालों से अपनी वास्तविक पारंपरिक संस्कृति के हिसाब से, अपने हिसाब से जो है शादी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्हें पिछड़ी जातियों में से इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि आज भी इन लोगों को सरकारें आगे तक नहीं पहुंचा रही। कहीं ना कहीं सरकार का सबसे ये एक सरकार की नाकामी इसे कह सकते हैं। और आज हम इस परिवार को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की महिलाओं से हम संवाद करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। एक बारे बारे आटो दे दो, वो खिड़की बंद कर। ये जो अभी मतलब ये रीति रिवाज क्या है?
हमारे यहाँ रीति रिवाज ये है कि लेकिन कोकन डोरा खोला रहे। अच्छा, कोकन डोरा खोला रहे, बिल्कुल, तो ये रिवाज है ना? रिवाज है हमारा। तो दोस्तों अभी जो है दूल्हा है वो सामने है वहाँ पर, और ये जो है कोंकण डोरा मतलब खोलाते हैं, ये रिवाज है इनका। और अभी देखो कितनी चिलचिलाती धूप है, उसके बावजूद भी छत है इनकी खुली है, देखिए। तो जब व्यवस्था नहीं होगी तो छत तो खुली होगी। तो महिलाएं हैं वो भी मांचे के नीचे हैं, सर ढक कर बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार है वो आधी उधरी बड़ी है, अंदर बाहर चलेंगे तो भी देखो सुनसान खाली पड़ा है, ठीक है। तो चिलचिलाती धूप के अंदर कितना हार्ड है, कितना कठिन है, जहाँ लोग एसी और कूलरों में रहते हैं वहाँ यहाँ पर पानी की व्यवस्था इतनी दुर्लभ है। साथ ही ये कच्चा मकान, आप नीचे फर्श भी देखो कच्चा देख सकते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही, और ख़ासकर कालबेली जनजाति जो कि संघर्षशील जाति है, और हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके रीति रिवाज हैं और संस्कृति है, लेकिन कठिन संघर्ष जो है वो आपको हर वीडियो में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है एक गरीब बाप जिसकी बेटी है वो आज विदा हो रही हैं। दद्दू के गांव के जो भी सरपंच है वहाँ तक मेरा अगर वीडियो पहुँच रहा है, तो अब आपको यहाँ पर सरपंच साहब, यहाँ पर सरपंच साहब आए थे क्या? सरपंच साहब आया कौन है? अच्छा, तो उनको बोला था आपकी भी शादी है मेरी बेटी की, तो आपको आना कुछ बोला था अपन को काम हो गया है कौन? अच्छा, तो गांव के जो भमासा हैं, पैसे वाले हैं और कुछ सरपंच साहब हैं, तो उनके द्वारा कुछ हेल्प मिली है आपको? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। तो सरपंच साहब का क्या नाम है? सरपंच साहब छोटू सिंह। छोटू सिंह जी है, वो दादू के गांव के ही हैं? सेवड़ा, दादू का गांव एक है, सेवड़े का है। अच्छा, सेवड़े के हैं वो है। तो छोटू सिंह जी से मेरा नंबर नहीं मिल है कि आप इन जातियों को थोड़ा बढ़ावा दें, और आप एक सरपंच होने के नाते यहाँ पर आप आइए और उनकी जो है इनकी जो है स्थिति ग्राउंड जीरो पर आइए। और बेटी की जो शादी हुई है तो कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से 11,000 रुपये इनको राशि देनी चाहिए। ये एक छोटी राशि है आपके लिए, लेकिन इनके लिए एक बड़ी राशि है। तो मैं आपसे संपर्क करना चाहूँगा और इनके इनसे नंबर मैं आपको लूँगा, और इनसे कॉल करेंगे सरपंच साहब से, और गाँव के कोई मुखिया है वो भी इन्हें जो है हमारे कालबेले समाज जो कि संघर्षशील होते हैं, तो इन्हें जब बेटे की शादी होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब बेटी की शादी होती है तो कई जिम्मेदारियां होती हैं, कई जो है पुरानी रीति रिवाज से इन्हें जो है कई ऐसे ऐसे चीज़ें जो इन्हें करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प जो है वो करनी चाहिए। क्यों? मिठाई भी चीज़ है ना इधर, ये मिठाई भी जी यहाँ पे पूरा बरातियों के लिए खाना खुना है। हाँ, खाना खुना बारात के लिए इधर। ये झोंपड़ी है, झोंपड़ी गया चुल्लो कढ़ाई। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम तीन भाई हैं। तीन भाई हैं, एक में बड़ो है शादी शुदा है। अच्छा, एक छोटो है। अच्छा, और आपके पापा जी क्या काम करते हैं? पापा जी कुछ नहीं, कुछ खेती का धंधा करते हैं। खेती का काम करते, मतलब अभी आप कितनी बहनें हैं आपकी? दो बहन है, जिसमें एक बहन का शादी हो रही है। एक बहन की शादी, एक बहन छोटी है। एक छोटी है, वो पढ़ाई कर रही है? अच्छा, तो ये गाँव कौन सा बताया? दादू का गाँव। दादू का गाँव। यहाँ पे कालबेले समाज कितने घर है यहाँ पे? यहाँ लगभग 1500 घर। 1500 घर है ना। अच्छा, बाकी सारे के सारे जो 1500 घर हैं वो क्या काम करते हैं? ये काई खेती के धंधे करते हैं या कुंड, बस यही काम है ना। कि मैं कई की जगह दे रहा हूँ कि आपके समाज में अब नशा पता है वो ज्यादा होने लगा, ये सच है या झूठ है? नहीं, नशा पता नहीं, रोटी खाने मिलती नहीं, नशा पता कड़ा मिलता। बिल्कुल ये सही बात है, रोटी खाने मिलती नहीं है साहब, नशा पता नशा कैसे होगा? नशे के तो पैसे लगते हैं, नशे के तो पैसा लगता साहब। बिल्कुल ना, लो हमसे लो एक का आराम दे रहा। राम देवरा से? हाँ, एक को रेवणाड़ा राम दे रहे। अच्छा, हाँ सर। तो आपके वहाँ पर क्या कुछ माहौल है कालबेली समाज का? सेम है बस, ये आगे थोड़ो करने लगो, थोड़ा खाने लग भाई। हाँ, ये सेम ही माहौल है आपके उस साइड में? रामदेवरा है, जैसलमेर से आई हो आप? जैसलमेर। तो यही सेम ही, मतलब यही कंडीशन है उस साइड कालबेलिया? कितने घर है कालबेलिया के उस साइड? कालबेलिया 10-12 घर है। 10-12 घर है ना। हाँ। तो ये जो आपका शुभ नाम क्या बताया? लूमनाथ। लूमनाथ जी है इनका नाम। और आपका शुभ नाम? मानव साहब बलनाथ जोगी कालबेलिया। अच्छा, तो आज ये प्रोग्राम हुआ है शादी का आपका है? आज शादी का प्रोग्राम है, कोई चंदा करके क्रिया छोरे को बेह करिए। अच्छा। गरीब आदमी बैठने सगा नहीं, झोपड़ी नहीं, कोई साधन नहीं मार करने। अच्छा, और सब कोई किसको लोन मिलता है और मिलता है, हमारे कोई लोन मिले नहीं, कुछ नहीं मिले वगैरह, कुछ वगैरह नहीं मिलता है। राशन कार्ड है, राशन कार्ड ही आओ माने मिलती है नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड कोटा आता है, बच्चा पढ़ाता, बच्चों को कोई सामान मिले भाई माने नहीं मिल रहा।
अब गरीब लोग है, मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करके पेट भर, कोई जमीन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप नोक के रहने वाले हो, आपके मतलब झोंपड़े में रहते हो आप? झोंपड़ा है। तो ये सरकारी आवास वगैरह नहीं आया? आवास वगैरह नहीं है, कोई नहीं है, कोई मोटा मोटा लोग है, आप साधन कर रहा है, कोई मोहर लिए, कोई गरीब सुनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो जैसे कालबेलिय समाज, ये काफी हजारों साल पुराना समाज है। पुराना समाज बिल्कुल। तो आज भी मतलब आपके रीति रिवाज है वो पुराने हैं, जैसे शादी में, शादी में बीजी में सब पुराना साथ चल, पुराना रीति रिवाज है। तो आज जैसे ये एक बाप है जो बेटी की शादी कर रहा है, तो इसको कर्जा लेना पड़ेगा? कुल मिलाकर कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेने के बाद में कैसे उतारेगा पैसे? कैसे कहते हो सर साहब, कोई कुंडा ढोके भले उतारो, कुछ नहीं है, कोई जमीन जगह है नहीं, कुंडा ढोक टाइम पास करता है, सुबह शाम मकाम आ जाता है, घर की समाप्त करता है, तो बच्चा पालेगा तो आप रहे हुई मकाम भी जाए तो कैसे बने। अच्छा ये गांव कौन सा है? दादू का गांव? ये दादरू गांव। अच्छा तो कुल मिला के कालबेलिया और सपेरा घुमक्कड़, ये घुमक्कड़ जाति कालबेलिया सपेरा घुमक्कड़ जाति। घुमक्कड़ का मतलब क्या हुआ? घुमक्कड़ जाति कालबेलिया सपेरा बोलता है। अच्छा पहले मतलब पहली तो अब जो काट में लिख दिया नाथ लिख दिया। अच्छा जो नाथम पदवी मोहन सरकार ऊंचा ले लिया। अच्छा अब फिर बाद में हमारी जाति लारे पूरा पूरी ये घुमक्कड़ जात काल बेलिया। अच्छा सपेरा साफ गोरा पकड़ने वाला था। अच्छा बे। अच्छा अब और कोई नहीं तो जमीन नहीं जगह नहीं, पूरे राजस्थान में काल बेले ही बैठ गया है, झुंपड़ के पड़ी है, कुछ नहीं है, कोई कोई मकाम करे तो कोई मजदूरी मेहनत कर भली कर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपका नाम क्या बताया आपने? मान बलनाथ। बलनाथ जी, तो बलनाथ जी बोलो या बलनाथ जी काल बिले बोलो चाहे हैं, हाँ, है। तो पुंगी वाला काम तो धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म हो गया साहब, पुंगी वाला चलाई गया, पर अभी पहली मंगन खाने वाला था, अभी सरकार बंद कर दिया। हाँ अब तो बस कुंडा ढोता नहीं गए। अच्छा जमीने भी अलॉटमेंट है क्या आपके नाम? आपके जमीन तो है तो चाहिए कोई साहब, तो मैं सरकार मतलब रहने के लिए छत ही, वो झोंपड़ा ही नहीं है, वो झोंपड़ा ही नहीं है, बैठने जगह ही नहीं है, जमीन कटे पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये हमारा तो झोंपड़े है, रोड फट गया। अच्छा रोड का क्या हुआ? रोड फट गया जो कोई बहुत नुकसान होया। अच्छा रोड फट गया। कौन सा फटे रोड? रोड दिया, रोड कोई करी दिया मुडिया रोड। हाँ देखो रोड पानी बहेगी। अच्छा बहुत नुकसान है। अच्छा ये बात है ना। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब कोई सरकार सहायता दे तो वहाँ बोला है, वोट वगैरह में दे रहा सरकार, सरकार को वोट में भी दे रहा हूँ, लौटा भी वोट दे रहा है, लौटा भी वोट दे रहा है, गरीब गुरबा में वोट तो मोहन सागे सागे ले रहा है। बिल्कुल तो सहायता हो रही, हमारी क्यों नहीं सहायता हो रही? बिल्कुल आपकी जाति सबसे पिछड़ी हुई है, पिछड़ी हो रही, सब जाति सुधार होगी, हमारी जाति ने मांग तो खाता।